बीते दिनों उसके तटबंध टूटने की वजह से उस गांव के काफ़ी सारे किसानों के खेतों में पानी चला गया था, जिससे उनके खड़ी फसलों को क्षति पहुंची थी, नुकसान पहुंचा था। तो उस आलोक में जिला स्तरीय समिति को स्थापित किया गया था, जो जिला स्तरीय अधिकारीगण, राजस्व कर्मचारीगण, कृषि पदाधिकारी तथा वहाँ के जनप्रतिनिधि को लेकर पूरे क्षेत्र का सर्वे कराकर क्षतिपूर्ति का आकलन कराया जाना था। वहाँ से प्रतिवेदन प्राप्त होने के बाद जिला स्तरीय तकनीकी समिति में उसे उपस्थापित किया गया, जहाँ यह पाया गया कि कुल मिलाकर 129 किसानों के फसलों का नुकसान हुआ है। कुल मिलाकर लगभग 29 एकड़ और एकड़ भूमि पर फसल नष्ट हुए हैं, जिसमें से कि 28 एकड़ धान की खेती वाली जमीन थी और 2.5 एकड़ मूंगफली तथा मक्का की खेती वाली जमीन थी। इस सारे नष्ट हुए फसल की गणना के मुआवजा राशि की गणना स्केल ऑफ फाइनेंस के अनुसार की गई है। स्केल ऑफ फाइनेंस बेसिकली वह मानक होता है जो यह निर्धारित करता है कि एक किसान को एक पर्टिकुलर फसल को अपने खेत में उपजाने में कुल कितना इनपुट देना पड़ा है। यह निर्धारण प्रत्येक वर्ष किया जाता है, जिसमें महंगाई तथा सारे इनपुट कॉस्ट को कंसिडर कर लिया जाता है। इसी के आधार पर KCC तथा फसल बीमा भी फॉलोअप किया जाता है। तो कुल मिलाकर 7,04,000 रुपये की गणना आई है और यह राशि जल्द ही सारे किसानों में डिस्ट्रीब्यूट करा दी जाएगी। सरकार से भी इस राशि की मांग की जाएगी।